हाय गाइस, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के जो मेंस में क्वेश्चंस आ सकते थे उनपे, और एक छोटा सा एक टॉपिक बचा हुआ था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स और फंडामेंटल राइट्स के बीच में डिफरेंस, दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। तो उस लास्ट लेक्चर में बात नहीं कर पाए थे, आज उसको कम्प्लीट करेंगे कि निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के बीच में अंतर क्या होता है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, किसी भी तरीके से उसको करने का बस आपको आर्ट आना चाहिए कि वो क्वेश्चन हम कैसे करें। एक ही क्वेश्चन दो लाइन में, एक ही क्वेश्चन वही क्वेश्चन 100 वर्ड में, वही क्वेश्चन 300 वर्ड में पूछा जा सकता है। बस ये आपको ये अंदर एक आर्ट आ जाता है प्रैक्टिस करते करते कि आप उसी क्वेश्चन को दो लाइन में भी लिखना सीख जाते हैं, आप उसको 100 शब्दों में भी लिखना सीख जाते हैं, आप उसको 300 शब्दों में भी लिखना सीख जाते हैं। क्वेश्चन को कैसे अलग अलग तरीके से लिखा जाए ये बस आर्ट प्रैक्टिस से आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ कि मान के चलें क्वेश्चन आया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल, और ये क्वेश्चन का आंसर आपको ओनली दो लाइन यानी जो थ्री मार्क्स क्वेश्चंस रहता है उसमें इसका आंसर देना। यही क्वेश्चन आता है जिसको आपको आंसर करना है 100 शब्दों में, और यही क्वेश्चन पूछ दिया उन्होंने 300 वर्ड्स के लिए। तो एक ही क्वेश्चन को हम कैसे फिट करें, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे जो टफ रहता है वो रहता है किसी भी क्वेश्चन का आंसर एक या दो लाइन में देना। आप एक या दो लाइन में आंसर तो कर सकते हो, लेकिन मार्किंग भी उतनी हो जाए कि आपने आंसर दो लाइन में दिया और दो लाइन में आपको 3 नंबर मिले, तब तो आपका आंसर बहुत वैलिड है। और आपने तो आंसर अपना दे दिया दो लाइन में या 3 लाइन में, लेकिन मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं, तो वो आपका आंसर किसी भी काम का नहीं रहा, वो अकाउंटेबल नहीं हुआ, राइट। तो अब हम समझें कि प्रस्तावना को अब दो लाइन में अगर हमें प्रियम्बल लिखने के लिए पूछा है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे छोटे छोटे वर्डों में लिखने लगे कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, है ना, लास्ट तक आप बहुत छोटे छोटे वर्ड में लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर प्रस्तावना लिखने की आवश्यकता नहीं होती। स्टार्ट जैसे मैं बताऊं इसका आंसर कैसे कर सकते हैं, भारतीय संविधान का दर्शन नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्तावों पर आधारित, दो बातें होंगी एक लाइन में। इसके बाद संविधान की आत्मा भी कहा जाता है और इसके आधार पर ही संविधान की व्याख्या की जाती है। उसके बाद और आप एक दो लाइन अब एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, बढ़ा सकते हो कि ये तो जैसे मतलब खड़े खड़े इसका आंसर देने की बात हुई, आगे इसको और बढ़ा सकते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव इस डेट को लिए गए थे, है ना, ये संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसे संविधान का मौलिक ढांचा भी मानते हैं। तो ऐसे करके हम 2-3 लाइनों में उसका आंसर कर सकते हैं। इसी को जब आप 100 वर्ड्स में लिखते हैं तो यहाँ आप समझो कि आपके हाथ और थोड़े से खोल दिए गए, इसको और अच्छे से लिखा जा सकता है 100 वर्ड्स में। तो यहाँ पर आप चाहें तो प्रियम्बल लिख सकते हैं, मगर पूरा प्रियम्बल लिखने से अच्छा है उसकी स्टार्टिंग की एक दो लाइन लिख के डॉट डॉट करके लास्ट लिख दो और फिर उसको समझाने लगो। यही बात वहाँ समझानी पड़ेगी कि ये क्या था, तो ये जो ऑब्जेक्टिव प्रपोजल थे जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे उसी को आगे चलकर प्रियम्बल के रूप में रख लिया, इसमें कितनी बार अमेंडमेंट किया गया, एक बार अमेंडमेंट किया गया और 3 वर्ड जोड़े गए, ये बात कर सकते हैं। इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं, 5 प्रकार की लिबर्टी दी गई है, 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, तो इन चीज़ों की हम यहाँ पर व्याख्या करके 100 शब्दों में कंप्लीट कर देते हैं। जब यही क्वेश्चन 300 वर्ड में आता है तो मैं मानूंगा कि आप थोड़ा सा अगर प्रियम्बल लिख देते हो एक पैराग्राफ में तो आपके 5 या 6 नंबर तो ऐसे ही मिल जाते हैं प्रियम्बल लिखने के। उसके बाद वो सारी उसकी मीनिंग बता दो कि सोर्स ये था, इसकी ये फीचर्स हैं, इसके होने का ये प्रभाव पड़ता है ना, सुप्रीम कोर्ट ने इसके चक्कर में या इसके मामले में इस संबंध में ये निर्णय दिए, कंप्लीट कर सकते हैं। तो लास्ट में उसका कंक्लूजन किया जाता है 300 वर्ड्स के क्वेश्चन में, कंक्लूजन निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे करके हमें हर टॉपिक के क्वेश्चन आ जाते हैं और ये प्रैक्टिस से आ जाते हैं। अब हम अपने आज के टॉपिक पर आते हैं, एक बचा हुआ छोटा सा क्वेश्चन है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट और फंडामेंटल राइट्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच। अब ये क्वेश्चन 100 शब्दों में आ सकता है, 300 में आने की चांसेस कम है, आएगा 300 में तो कुछ जोड़ के आएगा, यानी एक और कुछ चीज़ पूछेंगे उसके बाद डिफरेंसेस की बात कर सकते हैं। ठीक,
या आपसे और टफ बनाने के लिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस बताते हुए आपने समीक्षा कीजिए, अपने विचार दीजिए, ऐसी चीजें कर सकते हैं तो ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक डिफरेंस देख लें कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, आप भी समझते हैं कि एक जो राइट्स हैं उसके वायलेशन पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स हैं ये अगर आपको नहीं दिया जाता, जैसे वहाँ पर लिखा यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मिलता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट भी ऑर्डर नहीं दे सकता है, क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज इनका फीचर है, इनकी विशेषता है कि इनको बाई कोर्ट ज्यूडिशियरी के द्वारा हम इनका एग्जीक्यूशन नहीं करा सकते। ये अगर स्टेट चाहे तो उनको आज चाहे तो आज एग्जीक्यूट कर सकती है, कल चाहे कल एग्जीक्यूट कर सकती है, ना चाहे तो कभी ना करे। और स्टेट का मतलब यहाँ पर होता है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य के विधानमंडल या पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनको हम स्टेट मानते हैं। ठीक, तो ये डायरेक्शन है स्टेट के लिए। अब इस आंसर को देखें जो एक मॉडल फ्रेम में लिखा गया, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर बताते हुए ग्लैडहिल ने कहा, ये बहुत बड़े थिंकर हैं, वो तो उनका एग्जाम्पल ले लिया। अब मैं ये एग्जाम्पल क्यों ले लेता हूँ, तो थोड़ा सा समझ लो कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं तो वहाँ से ये सब चीज़ें आ जाती हैं, उनको ले सकते हैं। ठीक, और अगर ये मैं पहले भी बोला था नाम नहीं पता है तो आप किसी दूसरे का नाम रख दो, नाम नहीं रखा है तो आप लिख दो संविधान विशेषज्ञों के अनुसार। ठीक, मौलिक अधिकार राज्य के लिए कुछ निषेध, निषेध का मतलब है प्रोविजन, प्रतिबंध, मना करना। तो दूसरी ओर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट इसके अगेंस्ट ये राज्य को क्या करना चाहिए ये बताते हैं। ठीक, ये किसने बोला, ग्लैडहिल ने बोला। और अपने सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं, 100 वर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, पॉइंट में या आप पैराग्राफ में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, तो पॉइंट ज़्यादा अच्छा लगता है। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा क्रियान्वित किए जा सकते हैं, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट न्यायालय द्वारा क्रियान्वित नहीं किए जा सकते। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार बोल रहा है, यहाँ पर बोला इक्वल वेज फॉर इक्वल सैलरी, के समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, सरकार चाहेगी तो कल कर देगी। आप ये भी देखेंगे कि कुछ स्टेट में बीफ पर सेंक्शन प्रतिबंध लगा है, कहीं पर है, तो ये बीफ खाना और ये सब चीज़ें ये सब DPSPs के अंतर ही आती हैं। यहाँ पर कोर्ट कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, राज्य सरकार मॉरालिटी को ध्यान में रखते हुए इसको कभी भी लागू कर सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स वो हैं, उनका एग्जीक्यूशन किया जाएगा बाई ज्यूडिशियरी, अगर आपको नहीं मिलेंगे आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग आप सीधा अपील कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए आप किसी भी सेक्शन के थ्रू अपील नहीं कर सकते। अगला, मौलिक अधिकार नकारात्मक है, यानी इनको निगेटिव क्यों कहा जाता है, जबकि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को पॉजिटिव माना गया। पॉजिटिव इसलिए और निगेटिव इसलिए कि सरकार कोई लॉ बनाती है, अब वो लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को जीरो कर देता है, कैंसिल कर देता है, यानी यहाँ ये गवर्नमेंट को कुछ काम करने से रोक देता है, इसलिए इसको नेगेटिव एस्पेक्ट में लेते हैं। जबकि DPSPs क्या है, वो गवर्नमेंट को बताता ही है कि आप ये करो, आप ये करो, आप निःशुल्क शिक्षा दो, आप लोगों को काम करने की अच्छी दशाएं प्रदान करो, आप लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दो, लोगों को रोजगार दो, रहने के लिए आवास दो, ये सब चीज़ें क्या उनको करने के लिए, तो इसलिए एक नेगेटिव है। नेगेटिव क्या है, फंडामेंटल राइट्स को रखा जाता है और DPSPs को पॉजिटिव रखा जाता है। अगला पॉइंट है, मौलिक अधिकारों से राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित होता है। फंडामेंटल राइट से डेमोक्रेसी है, मगर डेमोक्रेसी को भी कैसा यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, पॉलिटिकल, यानी राजनीतिक। लोकतंत्र तो समझते हैं ना, अब्राहम लिंकन का कोटेशन तो जानते ही होंगे ना, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। तो यहाँ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब हम लोग भारत में कैसे हैं, सभी आर्टिकल 14 से स्टार्ट करो आप आर्टिकल 32 तक, हम भारतीयों को समान बनाने की कोशिश की गई है ना, समान बनाने की कोशिश किस पॉइंट ऑफ व्यू से की गई है, पॉलिटिकली। राज ने हम अपनी पसंद से कोई पार्टी बना सकते हैं, आप जिसको चाहें उसे वोट कर सकते हैं, हमारे जो विचार हैं, राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। जबकि DPSPs में क्या बातें की जाती हैं, इसमें पॉलिटिकल के स्थान पर आया है आर्थिक, है ना, पॉलिटिकल जो वर्ड है राजनीतिक वर्ड को रिप्लेस किया जाता है इकोनॉमिकल लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। अब इकोनॉमिकल लोकतंत्र, लोकतंत्र लोगों का तंत्र,
इकोनॉमिकल आप अगर पूरे डीपीएस पीस पढ़ते हैं तो उसमें ज्यादातर फोकस क्या किया गया है, चाहे वो गांधीयन सिद्धांत ही क्यों ना हो, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देना टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, तो ये भी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लोगों को काम के अवसर प्रदान करना, संपत्ति का एकत्रीकरण रोकना, यूनिफॉर्म सिविल कोड बना देना, है ना, ये सब चीजें हैं क्या, तो ये आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं, राइट। इसके बाद अगला पॉइंट है मौलिक अधिकारों का कानूनी महत्व है, तो ये वो सी देखिए ये एक जैसे वर्ड रिपीट नहीं कर सकते, जैसे शुरुआत में लिखा था ना मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू कराए जा सकते हैं, डीपीएस पीच नहीं, चीज वही है लेकिन वर्ड नए, कि मौलिक अधिकारों का कानूनी महत्व यानी इनका लीगल इम्पोर्टेंस है, जबकि डीपीएस पीच कानूनी नहीं है, कानून के द्वारा तो हम इनको लागू करा नहीं सकते, लेकिन इनका नैतिक आधार इनमें एक एथिकल बेस्ड तो बनता ही है, अगर जो शासन है जो भी यहाँ पर रूल करता है हमारे देश में, तो शासन यानी किसी भी देश की सरकार उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी होता है अपने नागरिकों की सुविधाओं का ध्यान रखना, अब वो नागरिकों की सुविधाएं डीपीएस पीच में दी हुई हैं, तो ये उनकी एक एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अगला पॉइंट है मौलिक अधिकारों को आपातकालीन स्थिति में स्थगित कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, इनको दो आर्टिकल को हम छोड़ दें तो पूरा का पूरा हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है इनको सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन डीपीएसपीज को कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकते। अगर डीपीएसपीज का यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू कोई लॉ बना दिया तो उसको कभी भी कोई प्रोविजन ही नहीं है उनको सस्पेंड करने का, और फंडामेंटल राइट्स में तो वहीं पर मेंशन कर दिया गया है कि 352 की कंडीशन में, कुछ 356 की कंडीशन में, कुछ 360 की कंडीशन में सस्पेंड किए जा सकते हैं, ये भी डिफरेंस आ जाता है। एक और डिफरेंस देख लें, मौलिक अधिकार सार्वभौमिक नहीं है, सार्वभौमिक नहीं है, इनको सीमित किया जाता है, सार्वभौमिक का मतलब होता है यूनिवर्सल यानी सबके लिए सब सभी जगह एक जैसे, तो फंडामेंटल राइट्स एक जैसे नहीं है, यहाँ पर आप कोई भी आर्टिकल ले लेंगे उसमें कुछ ना कुछ अंतर दे दिया है, जैसे आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये सब बातें की जाती हैं, 15-16 में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, उनके रेस के आधार पर, इन पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बट डोमिसाइल निवास के आधार पर हो सकता है, तो ये कहीं ना कहीं वहाँ पर पिछड़े वर्गों को रिजर्वेशन की बात कर दी जाती है तो वो डिस्क्रिमिनेट करता है यानी यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन डीपीएस पीच में कहीं कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ये कैसे होते हैं, ये यूनिफॉर्म होते हैं यानी ये सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, ये अंतर है। इसके अलावा और अंतर आपको समझ में आए वो लिख सकते हैं, 100 वर्ड में इतना सफिशियंट हो जाता है, लास्ट में 2 लाइन का एक कंक्लूजन, अगर सिर्फ इतना पूछें तो 2 लाइन का, और अगर 300 वर्ड में आ जाएगा तो जो मेन क्वेश्चन था उसके साथ इसका भी हम कर सकते हैं, 2 लाइन में कंक्लूजन कैसे लिखा जा सकता है, स्पष्ट होता है कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में जबकि डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, दोनों ही नागरिक को सशक्त बनाते हुए लोकतंत्र की स्थापना में सहायक होते हैं, ऐसा करके खत्म कर सकते हैं जब हमें 2 लाइन में लिखना है, और भी आप अच्छा सोच सकते हैं, मोमेंटम है, मेरे समझ से भी इतना मेरे दिमाग में आया, आपको और भी बेटर आ सकता है तो करें, तो मेंस में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप ज़्यादा लिखेंगे, जितने पेज भरेंगे, आपकी मेंस उतनी ईजी हो जाती है और उसको कोई रोकने का अवसर ही नहीं रहता। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन हम कल बताएंगे आपको, यहाँ पर प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन होंगे, कुछ प्राइम मिनिस्टर को लेकर के, यानी पॉलिटी तो मैं आपको पूरा का पूरा एग्जाम से पहले आपको जितना भी सिलेबस है सब करा दूंगा, और उन टॉपिक को ज़्यादा फोकस करूंगा जिनके आने की संभावना ज़्यादा है या जिनका स्टडी मटेरियल कहीं इधर उधर से आपको नहीं मिलता है, किताबों में अगर नहीं दिया है, उसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो हम उन टॉपिक को भी, जैसे ज्यूडिशियरी एक्टिवनेस, न्यायिक सक्रियता, इसको लेकर अभी इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स को लेकर, क्योंकि ईवीएम और ये सब चीज़ें अभी करंट में भी हैं और पॉलिटी का पार्ट भी है, इलेक्शन भी होने हैं स्टेट में, एमपी में भी इसी ईयर में इलेक्शन होना है, नेक्स्ट ईयर में केंद्र में भी इलेक्शन होना है, अभी कर्नाटक का इलेक्शन है, तो आप मान के चलो इलेक्शन वाला इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे ही, उसको कुछ करंट से भी जोड़ सकते हैं, तो उन चीज़ों को कम्प्लीट करते हैं, तो थैंक यू सो मच।